चीन कैफ निजाम जी, विशाल भरद्वाज, प्रसन्न जोशी जी, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा जी, अरुण महेश्वरी जी, मालिनी अवस्थी जी, यहाँ पर उपस्थित सुभाष भाई, मनोज जी और आप सब भाइयों बहनों, सबका मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में जहाँ पर मैं सारे कवि साहित्यकार बैठे हैं, वहाँ पर मुझे एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है यतेंद्र जी ने, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने नहीं सोचा कि आप सबके बीच में मैं फिट होऊंगी कि नहीं, बट एज एन आर्टिस्ट आई एम हियर विद यू। आज की शाम एक ऐसी शाम, ऐसी एक शख्सियत के नाम है जिसने हिंदी फिल्म जगत के एक युग को अपनी कलम से पहचान दी। उनके बारे में जितना कहना तो भी लिखना बहुत कम है। अपनी कलम के माध्यम से संगीत जगत को एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीतों से महकाने वाले वो शख्सियत है गुलजार साहब। गुलजार साहब के नाम पे ये किताब आज रिलीज हो रहा है, हजारों राहें, और जिसे लिखा है यतीन्द्र मिश्रा जी ने, जो खुद एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, और इस किताब को इतना खूबसूरत ढंग से लिखा है जिसमें गुलजार साहब के पूरे यंग एज से लेकर पूरी यात्रा, उनकी लाइफ जर्नी ही हैज रिटन इन दिस बुक, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा बायोग्राफी पहली बार गुलजार साहब के ऊपर बनी है और उनके बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा इस बुक के थ्रू। ये सिर्फ एक कवि नहीं, जस्ट नॉट ए पोएट, बट वो थोड़े दिन में एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम किया कहें बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों के बीच में, बाद में खुद एक डायरेक्टर बने। उनकी जर्नी ऐसी है, मैं बताऊंगी कि उनको एक पहली मुलाकात मेरी कभी हुई थी, अंदाज फिल्म की शूटिंग गुलमार्ग में हो रही थी, वहीं पे मैं पहली बार इनको मिली। वैसे वही यंग गुलजार एंड ही विल बी हैविंग अ कैमरा इन हिज हैंड, एंड गुलमार्ग में जो शूटिंग हो रही थी क्लिकिंग पिक्चर्स, माय ब्रदर वाज आल्सो देयर विद मी, जगन, remember him? And it was then he was just a writer in that film, and then baad mein pata chala he is working as an assistant director, and then he is writing dialogues, then lyricist, and baad mein pata chala he is became a director also. So un dino mein main shooting kar rahi thi kai filmon mein, to you know what kind of film I was doing. Very interesting, very successful, very lot of fight sequences, action oriented films मैं कर रही। तो उन दिनों में मैंने देखा कि जीतू जी के साथ भी मेरा शूटिंग हो गया कई फिल्मों, तो वो एकदम एक फोटोग्राफ देखा कि वो एकदम गुलजार जी जैसे लग रहे थे, ऐसे भी है क्या? Then it was परिचय उस फिल्म की। देन मेरे साथ जब शूटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा, आई सेड इट वेरी नाइस वेरी, देन ही टोल्ड मी दैट टाइम कि आई एम गोइंग टू मेक ए फिल्म खुशबू, तो आई वांट यू टू वर्क इन दैट। आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे जरा हटके फिल्म करने का बड़ा मन था उस पर, गुलजार जी के साथ पहली बार मतलब एज ए डायरेक्टर, तो इट वॉज द खुशबू वॉज द वेरी फर्स्ट फिल्म। And it's a very interesting story hai, how, because those days we had to do a lot of hairstyle, you know, like all those heavy wigs and all we wear, and then that is how that look was. So, ab yahan pe aaye to pehle to no, you had to remove nothing.
be natural as you are. No wig, nothing. So your my own hair. Yeah, that character demanded like that. So, what is the character's name? Kusum ka role hai. That Kusum is like that. Then makeup room mein jaake dekha to mera sari kya hoga? So it's such a simple sari, you know. It's not a matching blouse, just like that. I said, I was very happy to wear that, but my mother was saying, thoda glamorous hona chahiye na, because then he said, no, nothing doing like that, you have to be like that. Then since hairstyle also, my hairdresser, jo bhi banayegi baal, then he will say, no, remove all this. No backcombing, nothing, it has to be as simple as possible. So makeup bhi bahut kam. So it was a little difficult for me to adjust, but I started enjoying that. And then I had a habit of speaking very fast. Whatever both the dialogue. So kahan jana hai, he used to ask me, kahin jaldi jana hai kya? I said, haan, mujhe dusra shooting mein jana. So he even said, was shooting baad mein jayenge, pehle you keep the line a little slow. So, or be slow. So it was very difficult for me to, you know, bring my speed a little slow. Like a gaadi drive karte hain fast, to slow karenge. Then I learned that, and that was so wonderful. And I saw on the screen, it was really beautiful. So that is how I adopted the style. Yes, and then another one, as a dancer, I used to make my eyes lot of expressions, especially with my eyebrows. Kuch bhi bola tha, my eyebrows will first come out. So he said, no, eyebrow ka retake. I said, dialogue to slow bola tha, sab kuch theek tha, why again retake? Then he'll say, aapka eyebrow is dancing. No, eyebrow should not move. Then I used to control myself and speak, you know. And what a beautiful song we had, Do Naino Mein Aansu Bhare, you know, all those lovely, lovely songs. And then Thar Jayegi, Thar Jayegi, uska ek shooting hua tha. So normally we always have a dance director for any song, whether it's a song or a dance sequence. Ek hota hai hamesha, the director ke piche 1, 2, 3 bolte rahenge. He said, nobody is here. We had the shooting in Goa. Our outdoor shooting kar raha, and then he said, assistant director, koi bhi nahi hai, aap apne aap karo, jo bhi moment karna hai. So I became the choreographer myself, so he used to direct, he used to tell me, aise karna. So it was very enjoyable to do such thing, you know, for the first time with him. Uske baad, of course, I did the film Kinara. That was another experience. I played a dancer and who is blind. So blind hone ke liye, the expressions aayega karte, I think he was very keen that I should wear a lens. Then I tried my best to 3 doctors ke paas jaake lenses. Yeah, lekin I could not even open my eyes after wearing the lens. I said, I can't do it. We thought that I will give the proper expression. So finally he agreed. So I think it came out well, isn't it? That is one. And then the film Meera, you know, what a beautiful film we did, Meera. And of course, Kinara mein aisa achche gaane the, jo aaj bhi itna popular hai, naam gum jayega, chehra hai, badal jayega. I think Lata ji is very favorite song for us. And also, of course, all of us, we all love that song. Tulsa ji ka kaun sa gaana achha hai? Sare Aandhi, any film you take, so beautiful. Yes, great. And finally, we did the film Meera. Meera ka bhi ek ajeeb sa ek experience tha hamara. We both were wanting to do that film. The producer in between became little, you know, financial problem he had. So aisa lag raha tha ki picture kahin band na ho jaye. And itna bada director, I mean music director, Ravi Shankar ji ne aake diya hai. These songs and all. But of course, why Lata ji did not do all that? Story is all written by. इतना बड़ा बड़े कलाकारों के बारे में लिखा है आपने, सोनाल मान सिंह, एरिका जी जस्ट क्लासिकल सिंगर, लता जी के बारे में बड़े मुकाम ऐसा, बिस्मिल्ला खान, इन सब के बारे में लिखना तो इट्स नॉट इजी. एंड टू राइट अबाउट गुलजार साहब इज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इतने बड़े
एक व्यक्ति के बारे में कौन लिख सकता है, उतना ही इक्वल लेवल का होना चाहिए जो जितेंद्र जी इज ऑलमोस्ट देयर लिखते हैं. यस, मेरा बारे में क्या लिखा है. तो इट वॉज वेरी नाइस. सो थैंक यू फॉर राइटिंग समथिंग नाइस फॉर मी ऑल्सो. एंड देन मीरा के फिल्म का भी एक अलग एक्सपीरियंस, बिकॉज इसमें तो थोड़ा बहुत आई मेकअप तो करने दिया था किनारा और खुशबू में, लेकिन मीरा में वो भी नहीं, नो आई मेकअप, आई हैव टू बी जस्ट प्लेन लाइक दैट, यू नो. सो आई डिड दैट, बट द रिजल्ट यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल एंड मेड दैट फिल्म. सो आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम. और सौभाग्य है कि ऐसे बड़े अच्छे अच्छे फिल्मों में काम करने को मिला गुलजार के डायरेक्शन. देश में कितने भी आजकल जो पीढ़ी के कितने भी, सो मेनी पीपल आर सो फॉन्ड ऑफ हिम, इतना लोकप्रिय हैं ये गुलजार जी, चाहे बच्चे हो या 5 साल का बच्चा हो या 25 ईयर्स यूथ हो या 60 साल के बुजुर्ग हो. तो अलग अलग किस्म के गाने इतने अच्छे लिखे हैं गुलजार जी ने, लाइक बच्चे वाला इज लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा. तो वो मुझे मालूम है, वो गाना मैं यशा आना के साथ भी गाती थी और आज मेरे ग्रैंड डॉटर के साथ भी वो गाना गाती है. इट इज सो पॉपुलर, दैट सॉन्ग इज सो इंटरेस्टिंग, यू नो. एंड ऑल माय मेड्स आल्सो विल स्टार्ट सिंगिंग एंड एवरीबॉडी, द होल हाउस इज वेरी फुल ऑफ वाइब्रेशन ऑफ चिल्ड्रन देयर. देन कजरारे कजरारे, तो ऑल द यूथ आई थिंक वी ऑल लव्ड इट. इतना अच्छे अच्छे गाने गुलजार जी ने लिखे हैं. और एक और चीज मैं बोलूंगी, एक नूपुर एक टीवी सीरियल बनी थी जिसमें आई डिड द रोल ऑफ डांसर एंड आई वाज वेरी कीन दैट ही शुड डायरेक्ट इट, बट इन्होंने बोला कि मैं डायरेक्शन नहीं करूँ, यू हैव टू डायरेक्ट इट. आई सेड दैट इज हाउ आई बिकेम अ डायरेक्टर सडनली फ्रॉम नोवेयर, यू नो, बिकॉज माई आई वॉज सो मच कीन टू डू दैट फिल्म ऑन अबाउट अ डांसर. ए सीरियल 13 एपिसोड का बना था, बहुत सुंदर बना, लेकिन इन्होंने इंस्पायर किया कि यू आर अ डांसर योर सेल्फ सो यू नो वॉट यू हैव टू डू, बिकॉज सम अदर डायरेक्टर आई ब्रॉट देन इट वॉज नॉट वर्किंग वेल, देन ही सेड यू डायरेक्ट इट योर सेल्फ. सो दैट वॉज द इंस्पिरेशन ही गेव एंड आई बिकेम. सो ही हैज बीन अ वंडरफुल डायरेक्टर एंड ऑल्सो ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. आई से टाइम टू टाइम, समय के साथ बहुत सारे बातें हम बीच बीच में करते हैं कितने भी बिजी हों. सो एट वन पॉइंट आफ्टर आई सेटल डाउन, आई कंटिन्यूसली वर्क इन फिल्म्स, बट मेरा फिल्म सब थोड़ा सा कम हो गया था. सो एज एन आर्टिस्ट यू फील लिटिल फनी, यू नो, कि अरे इतना पिक्चर में मैं शूटिंग कर रही थी, इतना फिल्म आती थी, अभी इट इज़ लिटिल स्लो डाउन, वट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ. So I just discussed with him. He said, you are in this horizon, you see the another horizon there. So you will be getting it now. You will be going there soon. So that is a kind of an inspiration for me. So, you know, that is what happened. So how I transformed myself from an actress that continued, but as a dancer I continued. So many other things kept on coming in my life. So it is a great inspiration he has given to me. He is an inspiration to the whole country, I would say, as a poet, as a writer. He has contributed so much to the whole industry, our film industry, and generally also. So we are very blessed to have you with us. मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे और बहुत लंबी आयु हो और हमेशा हमारे साथ में बीच में रहें आप. धन्यवाद.